तो गाइस बेसिकली आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा जहां पे मैंने दो ऑफिस लिए हैं, जहां एक में मेरी टीम है और दूसरे में मैं बना रहा हूँ सैंपल फ्लैट। क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं यार मनीष आप अपना किया हुआ एक काम दिखाओ। अब हम जब क्लाइंट को फोन करते हैं, सर हमारे क्लाइंट है आपके घर आना चाहता है देखना चाहता है, तो क्लाइंट कहता है हाँ यार मनीष जी आप ही का घर है आइए ना। तो हम जाते हैं, क्लाइंट भी जाता है, फिर ऐसे तीन क्लाइंट चार क्लाइंट, अब एक एरिया में इतने सारे घर कहाँ से लाऊं। तो मैंने फाइनली सोच लिया चलो एक सैंपल फ्लैट ही बना देते हैं और साथ का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई ये हम ही ने बनाया है, सो दैट ट्रस्ट का इशू ना रहे। तो आज मैंने वीडियो बनाया है जिस वीडियो में डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे दूंगा और ये होगी एक रिएक्शन वीडियो जहां स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता भी रहूंगा। तो चलते हैं सीधा अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले होता है स्टेप वन जिसके अंदर डेमोलिशन होता है घर में तोड़फोड़ जो हम कर चुके हैं। अब आते हैं सीधा स्टेप टू पे। तो स्टेप टू होता है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क और ये मान के चलिए कि हम इस फ्लैट में हम कोई भी फॉल सीलिंग नहीं करने वाले क्योंकि हम स्मार्ट हैं, हम फॉल सीलिंग में पैसा नहीं खर्च करते। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है सीलिंग में लाइट प्लेसमेंट की मार्किंग हो रही है, जो सिलेंड्रिकल लाइट हम लगाने वाले हैं वो एकदम सीध में रहे कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। इसके लिए अभी आप देखोगे तो ये लाइन मार्किंग हो रही है जो ये हाथ में इनके अब आप धागा देखोगे ना उसमें। अब होता है स्टेप टू, हमने जो आपने देखा होगा पीओपी पनिंग ऑलरेडी हम करा चुके हैं साथ के साथ क्योंकि बिजली के बक्से का काम वायरिंग सब हो चुका है। अब इस फोटो को जरा ध्यान से देखो, यहाँ वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। अब ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, अक्सर लोग क्या करते हैं पुराने पेंट पे जिनका पेंट रेनोवेशन है घर में वो पीओपी पनिंग पे टकाई तो करते हैं और उसके बाद सीधा पीओपी पनिंग कर देते हैं जो कि गलत है। आपको पीओपी पनिंग पे ये हरा हरा मटेरियल देख रहे हो, ये हरा हरा मटेरियल होता क्या है एक टाइप का प्रोबॉन्ड होता है। बेसिकली जब ये होने के बाद एकदम रफ हो जाता है, इसमें इतने सारे दाने जैसे मुंह पे पिंपल होते हैं ऐसे पूरी दीवार पे पिंपल पिंपल हो जाते हैं जिसकी वजह से पीओपी पनिंग और दीवार में एक अटूट बॉन्ड मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है और होता है ना जस्ट पेंट होने के बाद दीवार में कहीं कहीं पपड़ी आने लग जाती है, उस वजह से ये पपड़ी फिर नहीं आती है। तो हमेशा पीओपी पनिंग कराने से पहले ये जरूर करना है, ध्यान रखना अगर घर में प्लास्टर हो रखा है तब ये करने की मतलब प्लास्टर हो रखा है उसके बाद पीओपी तभी जरूरत नहीं है, अगर रेनोवेशन का काम है पुराना घर है तब ये जरूर करवाना ही करवाना है। और पीओपी फॉल सीलिंग मत कराओ, उसका पैसा पीओपी पनिंग में लगाओ। पीओपी पनिंग इज लाइक यार मेकअप, सोच के देखो ऐश्वर्या राय बिना मेकअप के देख लो दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो वही है कि या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को याद करो, भाई याद नहीं करना है बस, अब सोचो वो बिना मेकअप के आ गई दिल टूट जाएगा। तो पीओपी पनिंग इज लाइक मेकअप, वो जरूर कराओ अपने घर में चाहे कहीं और पैसा लगवा दे लेकिन जब स्मूथ वॉल मिलेगी ना यार मजा आ जाएगा। तब चलते हैं आगे। तो ये पीओपी पनिंग हमने करा दी, अब लग जाएगा स्टेप थ्री फर्स्ट कोट, मतलब पीओपी पनिंग हो चुकी है फर्स्ट कोट, अब हमारा चल गया है सीलिंग में जो हमने किया ग्रे पेंट। अब सीलिंग मैंने डार्क क्यों करी है, रीजन बीइंग एज अ डिजाइनर मैं चाहता हूं भाई मेरी सीलिंग कोई देखे ही नहीं, जो देखे मेरी दीवार पे जो पैसा लगा है वो देखे, तो उसको मैंने कर दिया डार्क कलर और आजकल ये चल भी बहुत रहा है तो इसीलिए मैंने इसको डार्क कलर रखा है और वहां पे लाइट्स भी डाली है। बट ऐसा ही सेम फ्लैट हमने किया है जहां पे हमने सीलिंग व्हाइट रखी है, सिलेंड्रिकल लाइट भी डाली है और व्हाइट प्रोफाइल लाइट भी डाली है। अब चलते हैं आगे। अब स्टेप थ्री हुआ फर्स्ट कोट पेंट के बाद, हमने क्या किया वहां पे सीधा लगा दी सिलेंड्रिकल लाइट्स। अब थर्ड स्टेप पे फर्स्ट कोट पेंट हो चुका है, हमारी सीलिंग में अब लाइट लगने जा रही है जो कि है हमारी सिलेंड्रिकल लाइट्स। ठीक है, ये लाइट हमारे संदीप भैया ने लगा दी है। अब लाइट्स जो है वो आधे एरिया में हो चुकी है और करीब करीब शाम के चार बज चुके हैं और पीओपी सीलिंग भी जो पीओपी वॉल पनिंग है वो भी कहीं कहीं सूखने लग गई है और ये शाम होते होते अब हमारी सारी लाइट करीब शाम के 7 बजे सारी लाइट इंस्टॉल हो चुकी है। अब एक चीज और, सीलिंग में प्रोफाइल लाइट भी ऐड हो गई और ये फॉल सीलिंग में नहीं है सीधा सीलिंग छत पे है मतलब कि दीवार में है ये प्रोफाइल लाइट। ठीक है बॉस, लग रही है ना अमेजिंग। अब यहाँ पे छोटी सी एक ट्रिक है, ट्रिक ये है जो भी सीलिंग में प्रोफाइल लाइट लगाओ वो 17 mm वाइड होनी चाहिए, उसमें जो स्ट्रिप लाइट लगेगी वो स्ट्रिप लाइट 240 LEDs per meter मतलब 1 meter में 240 LED होनी चाहिए वो वाली लाइट लगानी। दूसरा, इसमें 5 ampere वाला एडेप्टर मत लगाना, 10 ampere वाला एडेप्टर लगाना। रीजन, क्योंकि 5 ampere वाला 240 LED वाली लाइट को ज्यादा लिटअप नहीं कर पाएगा, तो वहां पे आपको अगर 5 का मिल रहा है तो 2 लगा देना, नहीं तो 10 का या 15 का एक ही लगाना जिससे लाइट अच्छे से आए। और अगर आप घर में फॉल सीलिंग नहीं करा रहे हो, सिलेंड्रिकल लाइट और प्रोफाइल लाइट डाल रहे हो, तो हर एरिया में जैसे अगर मैं ये ड्राइंग रूम में बैठा हूं तो प्रोफाइल लाइट की 2 rectangle घुमाने। हमारे पास तो लाइट बहुत है इसलिए मैंने एक ही डाला, वो भी सिर्फ सैंपल फ्लैट है दिखाने के लिए क्योंकि मुझे हर चीज इसमें दिखानी है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो प्रोफाइल लाइट यहाँ पे 2 layer में डालनी है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ट्रिक, अब सीधा दीवार पे वॉल ट्रिम लगानी है। ठीक है, अब पहले ट्रिक सुन लो। इसके ऊपर हमने डायरेक्ट वॉल ट्रिम लगा दिया है, आपको क्या ध्यान रखना है जो ये नेल है ये पूरी अंदर होनी चाहिए, ये डिटेलिंग है। अगर ये थोड़ी सी भी बाहर रहेगी तो पेंट के अंदर जब पेंट होगा बाहर पॉइंटेड दिखाई देगी। अब सेकंड स्टेप इसमें क्या करना है, आपको चॉक मेटल लेना है, उसमें पेंट मिक्स कराना है, उसको यहाँ से पहले फिल करा देना है। तो आप इसको डायरेक्टली पेंट के ऊपर भी लगा सकते हो, पुट्टी के ऊपर भी लगा सकते हो, सही प्रोसीजर रहेगा कि पुट्टी के ऊपर डायरेक्ट लग जाए। क्या अच्छा बोलता हूँ यार। तो वॉल ट्रिम्स बेसिकली प्लास्टर के ऊपर नहीं लगती है, उसके पीछे बेस होना चाहिए
तब लगना चाहिए। हालांकि मैं कहूंगा एक कोट पेंट करवा लो, उसके बाद वॉल ट्रिम लगाओ और फिर सारा पेंट करवाओ। बट अगर नहीं मिलता है तो पुट्टी या पीओपी पनिंग या बेस प्रिपेयर करके उसके ऊपर फिर वॉल ट्रिम डायरेक्टली आप ठोक सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, जब मोल्डिंग लगती है तो उस पर लोग कील मारते हैं, कील ज्यादा बड़ी मत रखना, मोल्डिंग की जितनी थिकनेस है उतनी और उतनी ही दीवार के अंदर चले जाए, बस इसका ध्यान रखना। नहीं तो हो सका कहीं पता चला पीछे आपका बिजली का पाइप है या प्लम्बिंग का पाइप है, आपका कारपेंटर ने दे थोड़ी मार के कर दी कील अंदर और पता चला पानी बाहर, या कहीं गलती से हाथ लग गया तो बिजली का चटका लग सकता है, तो टिप को ध्यान रखना। बाकी एक टिप बताई थी कि कील सारी अंदर होनी चाहिए जिससे पॉइंटेड सरफेस ना दिखे। ये भी मैंने अपने सैंपल फ्लैट में जान पूछ के कील निकाल के रखी है दिखाने के लिए कि देखो ऐसे कील रह जाती है, आना तो यहाँ दिखाना, जो स्पॉट करके बताया उसे 500 रुपीस का बोनस। अब भाई यहाँ पे जो है ये वॉल की सैंडिंग बेसिकली शुरू हो गई है और बेस बना रहे हैं। अब पीओपी पनिंग के बाद हमेशा ध्यान रखना उस पर पुट्टी नहीं करानी है। इवन एशियन पेंट्स की फॉर्मल टीम भी, मेरे को बोलना चाहिए हालांकि उनकी प्रोफेशनल टीम भी पीओपी पनिंग के ऊपर पुट्टी कर देती है, पुट्टी नहीं करनी है, ना पुट्टी ना एक्लिबिटी कुछ नहीं, सिर्फ चौक मिट्टी वहां पे करना है। तब आपका यूज समझ लो, कैसे बोलूं अब कैसे समझाऊं, जैसे लड़कियों का होता है ना फाउंडेशन लगाते हैं, फाउंडेशन से बेस बन गया उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक और लेयर जिससे डेंट फिलिंग हो जाए और एकदम बच्चे जैसी सॉफ्ट स्किन होती ना दीवार ऐसी हो जाएगी। यहाँ सैंपल फ्लैट पे आओगे चेक करना हाथ लगा के, अपने आप पता लग जाएगा कि क्या मकसद होता है। पुट्टी अवॉइड करो, पीओपी पनिंग प्लस चौक मिट्टी, और पीओपी पनिंग के ऊपर पुट्टी कभी मत करना, ये ध्यान रखना। अब फर्स्ट कोट ऑफ पेंट शुरू हो चुका है जिसमें हमने पहले किया है, प्रोसीजर थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले पीओपी पनिंग हुई, उसके बाद चौक मिट्टी का फर्स्ट कोट सैंडिंग, चौक मिट्टी का सेकेंड कोट सैंडिंग, प्राइमर, फर्स्ट कोट ऑफ पेंट, और लाइट पहले लग चुकी है तो जैसे ही फर्स्ट कोट ऑफ पेंट होगा लाइट सारी ऑन कर देंगे, जिससे कि जहां पे और छोटे मोटे माइन्यूट से भी गड्ढे हैं वो लाइट में दिखाई देते हैं। उसके बाद फर्स्ट कोट ऑफ पेंट के बाद क्या हो गया, अगेन चौक मिट्टी से रिपेयर, ये ध्यान रखना है। और अब फर्स्ट कोट ऑफ पेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब ये हमारा सेकेंड कोट ऑफ पेंट जो है लग चुका है, और अब हमने लूअर्स भी लगा दिए। अगर आप कोने में देखोगे तो लूअर्स हमारे अब इंस्टॉल हो चुके हैं, और उधर जहाँ पे सोफा आने वाला है उसके अंदर भी लूअर्स जो हैं वो हमारे लग चुके हैं। और अब हमारी नीचे कारपेट फ्लोरिंग, जो बेसिकली कारपेट फ्लोरिंग क्या होता है उसे एको कम हो जाता है, और अगर आप 5-स्टार होटल में जाओगे वहां आपको कारपेट मिलेगा। दूसरा, वैसे तो मैं वुडन फ्लोरिंग के फेवर में रहता नहीं हूं, लेकिन अब सैंपल फ्लैट बना रहे हैं तो अगर कल कोई यार वुडन फ्लोरिंग मनीष कैसी लगती है, तो वो भी डाली दिया है मैंने। अब ये लाइट जलने के बाद जहां डेंट दिखा उसको डेंट को ठीक किया और अगेन पेंट किया। अब ये फाइनल लुक आपको दिखाता हूं, अभी फाइनल नहीं है, रिवील मैं बाद में करूंगा, मतलब ठीक 8 दिन पे, क्योंकि मेरे लिए साइट को टाइम से पूरा करना कोई बड़ी चीज है सच है नहीं। तो ये फाइनली लुक आ गया है, लेकिन अब रिवील करूंगा इसको ऑन द 7th डे, मतलब कि नेक्स्ट जो वीडियो डलेगी इसकी उसके ऊपर। और ये सारा काम हुआ पूरे 7 दिन में पूरा, जिसमें आपका डेमोलिशन, पेंट, एग्जीक्यूशन, इंटीरियर, मतलब सब कुछ है यार। बस बाथरूम अभी नहीं किया, बाथरूम का एक तगड़ा तरीका बताने वाला हूँ।